शाहरुख खान वर्सेस आमिर खान। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ था, जबकि आमिर खान का जन्म तो 14 मार्च 1965 को हुआ था। शाहरुख खान 2024 में 58 साल के हो चुके हैं, जबकि आमिर खान भी 2024 में 58 साल के हो चुके हैं। शाहरुख खान का जन्म नई दिल्ली में हुआ था, जबकि आमिर खान का जन्म तो मुंबई में हुआ था। शाहरुख खान का पिता का नाम था मीरताज मोहम्मद खान, जबकि आमिर खान के पिता का नाम था ताहिर हुसैन। शाहरुख खान ने अभी तक कुल 67 मूवी के अंदर काम किए हैं, जिनमें से 67 मूवी में करीब 24 मूवी जो कि फ्लॉप दिए हैं, जबकि आमिर खान ने भी करीबन 60 मूवी में काम किए हैं, जिसमें से 23 मूवी फ्लॉप दिए हैं। शाहरुख खान का हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है जवान, जिसने वर्ल्ड वाइड 1150 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि आमिर खान का सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है दंगल, जिन्होंने करीबन वर्ल्ड वाइड 2050 करोड़ कमाया था। शाहरुख खान का सेकेंड हाईएस्ट मूवी है पठान, और आमिर खान का सेकेंड हाईएस्ट मूवी है पीके। शाहरुख खान एक एडवर्टाइजमेंट के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, जबकि आमिर खान भी लगभग एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। शाहरुख खान का टोटल नेटवर्थ है 6300 करोड़, जबकि आमिर खान का भी टोटल नेटवर्थ 6300 करोड़ है। शाहरुख खान को अभी तक 15 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, जबकि आमिर खान को लगभग 9। शाहरुख खान की अगली मूवी है पठान 2 और टाइगर वर्सेस पठान, जबकि आमिर खान का अगली मूवी है सितारे जमीन पर और टाइम मशीन। वैसे दोस्तों, आप शाहरुख खान को ज्यादा पसंद करते हैं या आमिर खान को, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।